गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो है हम जेड टॉपिक शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए, सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल। इफ देयर आर ए ट्रायंगल ए बी इक्वल टू सी, दैट ए बी इक्वल टू सी, बी सी इक्वल टू ए, सी ए इक्वल टू बी, देयर आर थ्री साइड इन ए ट्रायंगल, देन सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये आ जाएगा, या ये वी कैन से इसकी मल्टीप्लाई करते टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मीन टू पैरामीटर इक्वल टू टू एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इट इज द सिंबल। लेट इफ देर आर ट्रायंगल देर आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल दैट इज कॉल्ड इज आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, आर इज रेडियस, then the area of the triangle, area of the triangle delta is equal to s, area of the triangle is equal to delta is equal to s, and that's sine rule, sine rule, sine rule means equal to a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r is equal to 2r, where r is that is r a upon sin a, b upon sin b is equal to c upon sin c is equal to 2r, that is called the sine rule. एक होता है नेपियर फॉर्मूला, ये क्या होता है भाई, एक होता है क्या नेपियर फॉर्मूला और टेंजेंट फॉर्मूला, क्या होता है नेपियर फॉर्मूला और टेंजेंट फॉर्मूला। नेपियर फॉर्मूला और टेंजेंट फॉर्मूला, नेपियर फॉर्मूला और टेंजेंट फॉर्मूला, जैसे मीन्स टेन मीन बी माइनस सी बाई टू
is equal to b minus c upon b plus c cot a by 2. Similarly, tan c minus a by 2 is equal to c minus a c plus a cot b by 2. Tan a minus b by 2 is equal to a minus b upon a plus b cot c. अच्छा, मुझे इसको प्रूव करना है. जैसे इसको प्रूव करना है, किस तरह कर सकते हैं हम? जे वी नो दैट ए अपॉन बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी. इट मीन साइन बी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. वी अप्लाई द कंपेंडो एंड डिवेंडो. वी दैट हैव साइन बी माइनस साइन सी, क्या आएगा? साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी. साइन सी मैंने साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया. क्या ये टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू cos b माइनस सी बाई टू. ये आ गया इसका क्या आ गया 90 माइनस ए बाई टू. ये है ना, देखो वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. दोनों तरफ हाफ कर दिया. ए प्लस बी बाई टू दोनों तरफ को अलग अलग कर दिया, इक्वल टू 90. बी प्लस सी बाई टू 90 माइनस ए बाई टू. इट मीन्स ये है टू कॉस 90 माइनस ए बाई टू. ये आ गया साइन 90 माइनस ए बाई टू. टू cos 90 माइनस ए बाई टू अपॉन टू साइन 90 माइनस ए बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू क्या आ गया? ये आ गया इक्वल टू ये क्या आ गया टू से टू जाएगा cos 90 माइनस ए बाई टू साइन ए बाई टू अपॉन cos ए बाई टू टेन बी माइनस सी बाई टू बी माइनस सी बी प्लस सी साइन 90 माइनस ए बाई टू कोस 90 माइनस ए बाई टू. ये क्या आ गया? ये
ये आ गया टेन ए बाई टू, टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू टेन बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू, दैट इज कॉल्ड द नेपियर और टेंजेंट फॉर्मूला। जैसे एक एक क्वेश्चन है के ऊपर या ये प्रूव भी कर सकते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इफ जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी R in AP, then prove that, then prove that tan A, tan B, tan C are in H2. Okay, tan A, tan B, tan C are in H2. If tan square b then tan a b tan a c very tan a tan b tan c given a a square b square c square are in a p, ये given है, ये given है तो क्या जाएगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा b square minus a square is equal to c square minus k a square। अब वो ये b इक्वल टू क्या देगा, इस तरह है ना, विद आर a अपॉन साइन a इक्वल टू k, तो a इक्वल टू क्या देगा k साइन a, k साइन a मान लूंगा। अब जब यहाँ से भी k स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी k स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी दोनों तरफ से स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू सीधा कर लूंगा साइन स्क्वायर a, a स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर a, क्या गया बी k स्क्वायर साइन स्क्वायर b, क्या गया वो k स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर c माइनस के साइन स्क्वायर a, ये आ गया साइन b प्लस a साइन b माइनस a, ये आ गया साइन c प्लस a साइन C साइन बी प्लस ए इक्वल टू क्या जाएगा साइन 180 माइनस बी सी, ये आएगा साइन बी फॉर्मूला, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी
sin A equal to sin C cos B plus cos C sin B. ये आ जाएगा साइन सी माइनस ए, साइन 180 माइनस ए साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए आ गया भैया. अब इस सबको क्या गया, साइन ए साइन बी साइन सी से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया. ऑन बोथ साइड वी हैव साइन ए साइन बी साइन सी है, तो क्या आ जाएगा ये डिवाइडिंग बोथ साइड साइन ए साइन बी साइन सी. ये क्या जाएगा साइन सी साइन बी कॉस ए. देखो जब इसको डिवाइड करूंगा साइन सी तो साइन सी जाएगा, नीचे क्या जाएगा साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, क्या जाएगा साइन बी कोस ए माइनस कोस बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी. सिमिलरली ये क्या साइन ए साइन सी कोस बी माइनस कोस बी साइन सी अपॉन साइन बी और साइन सी. इसके नीचे अलग अलग कर दिए थे, क्या जाएगा साइन बी कोस ए अपॉन साइन ए साइन बी. इसको अलग अलग कर देंगे, इसको क्या कर दूंगा मैं सीधा डायरेक्ट कर लूँ, इसके नीचे ये इस माइनस इसके नीचे ये इसके नीचे ये माइनस इसके नीचे ये क्या आ जाएगा ये साइन साइन बी से साइन बी कोस ए माइनस साइन क्या जाएगा कोट ए, क्या जाएगा यहाँ से कोट ए माइनस इससे जाएगा कोट बी इक्वल टू क्या जाएगा ये कोट बी माइनस साइन सी कोस बी कोस सी साइन बी कोस सी साइन बी कोस सी साइन बी बी से मैंने कोट सी मैंने इसके कोट सी ये आ जाएगा क्या आएगा ये आएगा इसका क्या आएगा ये इसका मुझे क्या आ गया टू कोट बी आ गया टू कोट बी इक्वल टू
quot A plus quot B. Hence, to quot B is equal to quot A plus quot C. Hence, A quot A quot B quot C all in AP. Then, tan A tan B tan C all in HP. ये जो है HP में tan A tan B tan C क्या होंगे HP में होंगे, ठीक है भाई। देखो ये है, ये क्या फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इन ए पी में थे, इसके फॉर्मूला डिफरेंस का फॉर्मूला लगा ले, कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, तो इधर आके आ गया साइन बी को के साइन साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर बी साइन बी प्लस ए साइन बी माइनस ए साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस बी बी प्लस सी को क्या कर लिया बी प्लस ए को एक 180 माइनस सी साइन सी ये आ गया साइन बी माइनस ए इक्वल टू साइन 180 माइनस ए क्या गया साइन ए ये क्या साइन सी कोस बी माइनस कोस बी साइन सी का फॉर्मूला आ गया। अब दोनों तरफ जो है साइन ए साइन बी साइन सी को क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो क्या गया कोट ए माइनस कोट बी इक्वल टू कोट बी माइनस कोट सी, दोनों टू कोट बी इक्वल टू कोट ए प्लस कोट सी, तो कोट ए कोट बी से क्या होंगे ए बी सी ए पी में होंगे, दैन इसका उल्टा क्या होगा टेन ए टेन बी सी विल बी इन टू एच पी। अब है नेक्स्ट सवाल है द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इट्स टाइम्स ऑफ इट्स अरिथमेटिक मीन द पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज सिक्स टाइम ऑफ इट्स अर्थमैटिकल मीन द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज सिक्स टाइम इज सिक्स टाइम द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज सिक्स टाइम ऑफ इट्स अर्थमैटिक मीन of the sines of the angle of the sines of the angle of the sines of the angle if the side A is 1 if the side if the sides A is 1 then find if the side A is 1 then the find A angle देखा the parameter of a triangle the parameter of a triangle is the six times the parameter of a triangle of six time of the एंगल का जो उसका पैरामीटर साइड क्या है एंगल का सिक्स टाइम है, तो पैरामीटर ऑफ साइड क्या क्या ए प्लस बी प्लस सी ये होगा पैरामीटर ऑफ साइड, और एंगल का अर्थमेटिक मीन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन थ्री, और ये सिक्स टाइम है सिक्स का मल्टीपल इसका मल्टीपल ये आ गया ए इक्वल टू क्या गया टू आर
साइन ए प्लस टू आर साइन बी प्लस टू आर साइन सी, ये आ गया। इक्वल टू टू साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, दोनों दो आर कॉमन ले लिया। इससे टू आर इक्वल टू टू, टू आर इक्वल टू टू, आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू वन। और एक एक और फॉर्मूले अभी जो यहाँ लिखा था क्या है, ए इक्वल टू टू आर साइन ए, ए की वैल्यू कितनी आ गई गिवन है, ए की वैल्यू कितनी है वन, टू आर की वैल्यू वन है, मल्टीप्लाई साइन ए, साइन ए इक्वल टू हाफ और साइन ए इक्वल टू साइन पाई बाई थ्री, ए पाई बाई सिक्स, ए इक्वल टू पाई बाई सिक्स और 30 डिग्री। क्या दिया रखा है, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज द सिक्स टाइम्स, द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ये सिक्स टाइम्स है, होती है एंगल अरिथमेटिक मीन, ये तो है पैरामीटर साइड, ये क्या है पैरामीटर, ये क्या है पैरामीटर है, और ये अरिथमेटिक मीन है ऑफ देयर, किसका एंगल का क्या है, ये अरिथमेटिक मीन है, इसका ये सिक्स टाइम है। तो ए इक्वल टू टू आर साइन ए, टू आर साइन बी, टू आर साइन सी, टू आर दोनों से कॉमन लिया, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, टू आर इक्वल टू आर टू, ये क्या साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो टू आर इक्वल टू टू, आर इक्वल टू क्या गया वन, ए इक्वल टू टू मल्टीप्लाई वन इंटू साइन ए, साइन इक्वल टू हाफ और ए इक्वल टू पाई बाई सिक्स 30, तो साइन ए इक्वल टू ए इक्वल टू 30 या पाई बाई सिक्स आ जाएगा। अब आगे देखते हैं भाई, लोअर और लोअर सबस्टैंडर्ड एंगल अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा रेस्पेक्टिवली, ए लोअर सबस्टैंडर्ड एंगल, ए लोअर सबस्टैंडर्ड एंगल अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा रेस्पेक्टिवली, ए लोअर सबटेंडन एंगल अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा रिस्पेक्टिवली एट ए पॉइंट ए बी सी, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट अ बी सी, कॉल लाइन इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, आर लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन,
are all lying on a horizontal line. Are lying on a horizontal line. Throw the foot of the lower. A lower substandard angle alpha to alpha 3 alpha respectively at the point A, B, C, all lying on a horizontal line, throw the foot of the lower through that AB upon BC is equal to 1 plus 2 cos 2 alpha. देखो ये कोई पॉइंट है, इसकी फिगर बना लेते हैं, इसकी ये कोई पॉइंट है, ये इस तरह के ये कोई फिगर है, क्या है कि ये फिगर है, यहाँ कोई अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ क्या कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा, यहाँ टू अल्फा, यहाँ थ्री अल्फा, यह ए बी सी, ये कोई तीन पॉइंट्स हैं, ए बी सी के एम है, और ये जो है मान लिया पी है, ठीक है, अब क्या आ गया ये, अच्छा अगर मैं ये निकालने चाहूँ एंगल ए पी वी, एंगल ए पी वी, एंगल एंगल ए पी वी इक्वल टू क्या जाएगा, देखो देखो ये वैसे भी एक्सटर्नल लेंगे इनके इंटरनल एंगल की इक्वल होगा, या इसमें से ये माइनस कर दो, सीधी सी बात है, ये होगा तो क्या टू अल्फा माइनस, यानी कि एंगल पी बी सी माइनस एंगल पी ए बी, यानी एंगल टू अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा, क्या जाएगा ये पी बी सी पी बी सी माइनस एंगल पी ए बी, यानी इसका एक्सटर्नल एंगल है, इन दोनों के एंगलों के सम के इक्वल हो जाएगा, इसके इसके ये, यानी इसमें से ये माइनस कर दूँ वो आ जाएगा, चाहिए कह दो इक्वल टू टू अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू इक्वल टू अल्फा, इन ट्राइंगल बी पी सी, अब मैं इसको मैं ये लेता हूँ बी, अच्छा इसी तरह से सिमिलरली एंगल बी पी सी, एंगल सिमिलरली एंगल बी पी सी विल बी अल्फा, ये जो है बी पी सी भी क्या हुआ, ये भी कितना अल्फा हो जाएगा, अब मैं इन ट्राइंगल बी पी सी, अब क्या करता हूँ मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल बी पी सी, इन ट्राइंगल बी पी सी, तो इन ट्राइंगल बी पी सी क्या आएगा, बी सी अपॉन बी सी अपॉन, साइन रूल लगा दिया, बी सी अपॉन साइन एंगल बी पी सी, साइन एंगल बी पी सी, बी सी अपॉन BC अपॉन साइन एंगल BP,
BP upon sine angle BCP. Sine angle BCP. BP upon sine angle BCP. 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 एंगल इसकी वैल्यू रख दी, एंगल बी पी सी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी की वैल्यू कितनी है, एंगल अल्फा. तो बी सी अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी पी अपॉन यह है बी सी टी. बी सी टी ये सारा कितने का 180 आएगा, 180 माइनस थ्री अल्फा आएगा साइन 180 माइनस थ्री अल्फा, साइन 180 माइनस के थ्री अल्फा. देखो भाई, जब इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ए बी पी या ए सी बी, देखो भाई जब ये एंगल अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, तो उनके जो है वी हैव द टू एंगल आर इक्वल, देयर कोरस्पोंडिंग एंगल कोरस्पोंडिंग साइड विल बी इक्वल. तो ये बी पी क्या है कि खुल जाएगी, बी पी इक्वल टू ए बी, बी पी इक्वल टू ए बी. इट मीन बी पी की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, ए बी रखूंगा, यहाँ पे क्या रखूंगा मैं, यहाँ ए बी. ठीक है, बी सी अपॉन, चलो अगली लाइन रख देंगे, चलो बी सी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा साइन थ्री अल्फा. ठीक है, बी सी इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू, ये इसके नीचे आएगा क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू साइन थ्री अल्फा अपॉन साइन अल्फा, साइन थ्री अल्फा अपॉन साइन अल्फा. और इक्वल टू क्या आ गया, ये ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू साइन थ्री थ्री साइन अल्फा माइनस चार साइन का क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा. ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू थ्री माइनस चार साइन स्क्वायर अल्फा. ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू थ्री माइनस चार साइन स्क्वायर अल्फा. इसको क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा को कोस टू अल्फा में बदलने के लिए इसे बदलता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस टू अल्फा बराबर क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, क्या होता है, कोस टू अल्फा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा. ये क्या है, ये क्या क्या देगा, जैसे कि कोस टू अल्फा माइनस वन, दोनों तरह से कोस टू क्या है, थ्री माइनस, थ्री माइनस टू कोस टू अल्फा माइनस के वन, यह आ गया. तो क्या गया, थ्री माइनस
इसे तो झेल लिया, टू साइन स्क्वायर अल्फा भी था, वन माइनस कोस टू अल्फा, क्या आएगा वन माइनस कोस टू अल्फा, जब ये सब यहाँ प्लस का आ जाएगा, एक ही बात है, ठीक है, थ्री प्लस टू कोस टू अल्फा माइनस टू, थ्री में टू जाएगा, क्या गया वन प्लस कोस टू अल्फा, क्या गया वन प्लस दैट इज आंसर, क्या गया वन प्लस कोस टू अल्फा। देखो क्या है फॉर्मूला, ए लोअर बेल सबस्टैंडर्ड एंगल है कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसमें एंगल बना हुआ है अल्फा टू अल्फा और थ्री अल्फा बना हुआ है, और इस तरह बना हुआ है, तो अब प्रूफ दैट क्या करना है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू वन प्लस कोस टू, जब ये अल्फा है टू अल्फा है थ्री अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी निकाल लिया, ये इसके लिए एक्सट्रीम एंगल है, तो इन दोनों सम जो है इसका और इसका इसके इक्वल होगा, टू अल्फा मतलब एंड कर दिया, इस तरह थ्री अल्फा से माइनस ये कर दिया, और इन ट्राइंगल ए बी पी में ये भी एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एंगल इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इनके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका क्या देखा जाएगी, बी पी इक्वल टू ए बी, ये बी पी इक्वल टू ए बी आ गया, अच्छा क्योंकि ये है इससे, तो ये आ गया मेरे, ये पता लग गया, अब यहाँ से क्या पता लग रहा मुझे, देखो ये भी अल्फा निकाल लिया ए बी बी, इस तरह बी पी सी क्या आ गया, फिर इसमें जो है इन ट्राइंगल बी पी सी, इन ट्राइंगल बी पी सी में साइन रूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इन ट्राइंगल बी पी सी, क्या जाएगा बी पी अपॉन ये वाला एंगल, ये सारा कितना है 180, तो ये इतना थ्री अल्फा है तो क्या जाएगा 180 माइनस के थ्री अल्फा, इस तरह क्या जाएगा ये बी सी बी पी अप बी पी अपॉन साइन 180 माइनस थ्री अल्फा और बी सी अपॉन साइन अल्फा, तो ये जो है इनकी वैल्यू जो है रख दूंगा, फिर मैं साइन थ्री अल्फा फॉर्मूला लगा दिया, ये कट के क्या आ गया थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या जाएगा वन माइनस यहाँ से माइनस वन कोस टू अल्फा माइनस के वन, ये आ गया इनमें कोस वाले क्या आ गया वन प्लस कोस टू अल्फा, इस तरह यह आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं भाई, कोसाइन रूल इन ट्राइंगल ए बी सी, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, ये आ गया कॉस बी बराबर कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी, कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, अगर मान ले ये कोई ट्रायंगल है इस तरह का है, ये ए बी सी ये ट्रायंगल है, इस तरह का है ए बी सी है, यहाँ से यहाँ तक की क्या ये साइड ए है, ये बी है, ये क्या है सी है, इसको ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये इसको क्या डालना मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो इसका
ये दो फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बी, ये इतना से क्या आएगा बी साइन सी, बटे क्या आएगा बी कोस सी, बटे क्या आएगा बी, हॉरिजॉन्टल होता है ये परपेंडिकुलर, क्या आएगा बी साइन सी, ये क्या है बी कोस सी, इसके जो है ये अगर एंगल ये सी है तो इसका जो है इसके दो हॉरिजॉन्टल हो जाए बी कोस सी, ये हो जाएगा बी साइन सी, बी कोस सी और बी साइन सी, सी है वो कोस ए बराबर ये आ जाएगा, ठीक है जैसे एक और एग्जांपल है, इन ए ट्राइंगल क्या है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, वन अपॉन ए प्लस सी, वन अपॉन ए प्लस सी, वन अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, देखो भाई ये प्रूव करना है कि ये एंगल सी दे रखा 60 दे रखा, तो ये प्रूव करना है वन अपॉन ए प्लस सी प्लस वन प्लस बी अपॉन सी, देखो भाई क्या दे रखा है कॉस सी इज इक्वल टू 60, कोसाइन का ही फॉर्मूला लगा दूँ कॉस सी वाला, कोस कोसाइन का जो फॉर्मूला है सी क्या आ रहा है कॉस सी इक्वल टू क्या आता है कॉस वी है कॉस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, यहाँ से क्या आ जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू ए बी कोस सी आ गया भाई, आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू टू ए बी कोस 60, मगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू ए बी कोस 60 की वैल्यू क्या आ गई हाफ, ये आ गया क्या गए ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इक्वेशन आ गई पहली, इसका कहीं भी यूज करा हम इसका यूज कर लेंगे, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दे रखा है ये वाला, क्या दे रखा है ये वाला, अब मैं इसको इधर ले आ दूँ तो बराबर की को प्रूव कर दूँ, ये क्या आएगा ये वन अपॉन ए प्लस सी प्लस वन अपॉन बी प्लस सी माइनस थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया भाई, इन तीनों का क्या ले लूँगा मैं एलसीएम ले लूँगा, ये क्या आएगा इससे क्या है क्या है बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी माइनस थ्री ए प्लस सी बी प्लस सी, बी प्लस सी और ए प्लस बी अगले इन्हें सबको क्या कर लूँगा मैं सोल्व कर लूँगा,
ये क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर ये आ गया भैया। माइनस थ्री ए बी अब क्या आएगा, ये एक ए बी आएगा, एक ए बी आएगा और माइनस के तीन माइनस के एक ए बी, एक एक ए सी आएगा, एक ए सी आएगा माइनस के तीन ए सी माइनस के एक ए सी, एक बी सी दो बी सी माइनस के तीन बी सी। अच्छा ये आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस दो सी स्क्वायर ये रहा, एक माइनस के सी स्क्वायर ये रहा। तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस के अपॉन ए प्लस सी बी प्लस सी, सी ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए सी। अच्छा ये कितने ए सी आ जाएंगे, थ्री ए सी आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, एक ए सी ये रहा, एक ए सी ये रहा, एक ए सी ये रहा, दो ए सी और फिर क्या आएगा, तीन ए सी, तीन ए सी आएंगे, क्या आएंगे, तीन ए सी आएंगे। अच्छा 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 इसका क्या आएगा, ये
ये कटके क्या आएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस के ए सी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के सी स्क्वायर। बोलिए ए बी है भैया, ये देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस के सी स्क्वायर, माइनस क्या आएगा यहाँ, ये माइनस का ये तीन दो सी स्क्वायर आएंगे, ये आ जाएगा अपॉन ए प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है भाई, ये है दो ए सी तीन ए सी, इससे तो तीन ए सी चले जाएगा, ये माइनस के ए बी बच जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर, क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस सी बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया बराबर क्या आ गया जीरो, बराबर क्या आ गया जीरो, बराबर जीरो है, हैं जब ये जीरो है बराबर, तो क्या वन अपॉन ए प्लस सी प्लस वन अपॉन बी इक्वल टू थ्री अपॉन ए प्लस बी, ए थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ द साइड ए बी सी आर द रूट ऑफ, इफ द साइड, इफ द साइड ऑफ, इफ द साइड ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द, इफ द इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इफ द साइड ए बी सी आर इज द रूट ऑफ द ट्राइंगल, रूट ऑफ द इसके एक्स आर थ्री माइनस इलेवन एक्स स्क्वायर माइनस अड़तीस एक्स माइनस चालीस बराबर जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए अपॉन ए कॉस बी अपॉन बी कॉस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो अगर ये वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर थ्री माइनस, इसके रूट कितने हैं ए बी सी है, तो क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ रूट, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ इलेवन आ गया, इसके दो दो प्रोडक्ट से क्या आ गया माइनस प्लस क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू थर्टी एट आ गया, और दोनों के तीनों के प्रोडक्ट से क्या आ गया ए बी सी इक्वल टू क्या आ गया माइनस के फोर्टी, माइनस के प्लस माइनस प्लस आ गया, और वैल्यू दे रखी इसने कोस ए प्लस ए प्लस कोस बी अपॉन बी प्लस कोस सी अपॉन सी, कोस ए की वैल्यू क्या आ गई, एंगल से रख दूंगा क्या आएगा बी स्क्वायर
जैसे कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी अपॉन टू ए बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी टू ए डी। इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा, इन दोनों क्या ले लूँगा एलसीएम ले लूँगा, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस ए से स्क्वायर बी स्क्वायर क्या क्या आ गया टू ए बी सी क्या गया टू ए बी सी टू ए बी सी क्या गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी सी क्या गया सीधा डायरेक्ट कर दो यार ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर क्या गया टू ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर किस तरीके से कम इसी लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी ये अपॉन टू ए बी सी इन सभी क्या रख देंगे इसमें वैल्यू रख देंगे किसकी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रख देंगे ए प्लस बी की वैल्यू रख देंगे और इसके क्या है हमारा क्या है आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हाफ साइन एंगल हाफ साइन एंगल मीन हाफ साइन एंगल हाफ साइन एंगल क्या हो साइन ए बाई टू इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी अपॉन बी सी सिमिलरली साइन बी साइन बी बाई टू इक्वल टू एस माइनस सी ये होते हैं ये थे हाफ हाफ ऑफ द साइन एंगल। ठीक है अब आगे क्या है अब इसको इसके से डिवाइड कर देंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे क्या है टेन ए बाई टू इक्वल टू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन
एफ इंटू एफ माइनस ए, इसका हाफ होगा, इसका एंगल आएगा। ठीक है आगे बढ़े, इससे यहाँ से जो है टेन बी बाई टू निकाल लेंगे, इस तरह क्या निकाल लेंगे हम जो है टेन सी बाई टू भी हम इसका एंगल इसका निकाल सकते हैं। ठीक है आगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी साइन सी, वन बाई टू साइन सी, और इज इक्वल टू वन बाई टू बी सी साइन ए, और डेल्टा इज इक्वल टू वन बाई टू ए सी साइन बी, ये फिर एरिया, इसका क्या है एरिया। और एक फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है। अगर मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल, इसके ये रेडियस ये यहाँ है, ये इसकी ये रेडियस है, ये एंगल है, इसकी ये रेडियस है, इसकी ये रेडियस है, ये ठीक है। तो इसका जो है इसका क्या आएगा, वन बाई टू इनका इसका क्या आएगा, वन बाई टू ट्राइंगल ए ए बी सी, वन बाई ट्राइंगल बी सी ए, वन ट्राइंगल आई ए सी, इन तीनों का जो है सम निकाल लेंगे, इन तीनों का क्या निकाल लेंगे, इस एरिया का ट्राइंगल, एरिया इन दी एरिया इन दिस शेप, एरिया इन दिस शेप क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई ए सी, आई ए सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आई बी सी, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 बाई टू बेस इंटू साइड, 1 बाई टू बेस इंटू साइड, 1 बाई टू बेस इंटू साइड, मान लीजिए ये जो है ये ए है, क्या है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी सी, क्या जाएगा ये आर, इनके क्या आ जाएगा 1 बाई टू आर इंटू ए प्लस 1 बाई टू आर इंटू बी प्लस 1 बाई टू आर इंटू सी, इन दोनों दो कॉमन ले लूँगा, 1 बाई टू आर ले लिया कॉमन, क्या गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है 1 बाई टू आर मल्टीप्लाई कितना जाएगा 2s, s से s, 2 से 2 जाएगा, सॉरी इस 2 से 2 जाएगा, क्या आएगा ये आर मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू डेल्टा, और आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, ये भी फॉर्म हो गया आर इज इक्वल टू डेल्टा, जो इनर जो इस तरह सर्किल है ट्राइंगल के अंदर इसकी रेडियस आर है, तो आर इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा अपॉन एस, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, यानी डेल्टा इक्वल टू आर एस, डेल्टा इक्वल टू आर एस।
जैसे एक एग्जांपल है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या गया, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 4b square c square, then find this value, then find value, find value या prove that sin square a, इसकी value निकालनी है। तो इसकी क्या आ गया भैया, a plus b plus c, इसकी value कितनी आ गई, 2s, क्या आ गया 2s, b plus c की value क्या 2s minus a minus a, इसकी वैल्यू 2s माइनस बी माइनस बी, इसकी वैल्यू 2s माइनस सी अपॉन 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि अगर 2s 2s माइनस 2a या 2s माइनस 2b 2s माइनस 2c अपॉन 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें से टू यहाँ से कॉमन, टू यहाँ क्या, टू फोर एट सिक्सटीन, क्या आएगा 15s माइनस सी इस 4 से 4 गया, क्या 4s क्या गया 4s s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी स्क्वायर, और s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी क्या जाएगा 4 डेल्टा का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 4 डेल्टा का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये क्या डेल्टा क्या देता है 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 बी सी साइन ए, 1/2 तो डेल्टा अपॉन बी सी, डेल्टा अपॉन बी सी इक्वल टू इधर 2 भी इधर आ गए इक्वल टू साइन ए, और जो तक का स्क्वायर कर दिया 4 डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये क्या की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ए, ये है ये सोल्यूशन है, ये ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या करनी है ए प्लस बी टू एस, इसके लिए टू एस माइनस ए, ये कर लिया ठीक। अब इसको सोल्यूशन को सोल्व कर लिया, टू ये आ गया, अब ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी होता है ना रूट डेल्टा के, डेल्टा तो डेल्टा स्क्वायर बराबर आ गया, ये डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी सी साइन ए, इधर लगा 2 डेल्टा इक्वल टू इसके लिए बी सी साइन, दोनों का स्क्वायर करते हैं 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर ए आ गया ठीक है। आगे समझे भाई, आज के लिए इतना ही है, कोई प्रॉब्लम कोई यानी सॉल्यूशन कोई क्वारी हो लिख लेना, कल पूछना है ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर से कंटिन्यू करेंगे, बड़ा इजी चैप्टर है ये ठीक है, आज के लिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ ऑल।